यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वाराणसी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली शाखा डीएवी कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन आज बैंक क्षेत्र के महाप्रबंधक चंद्रमोहन मिनोचा एवं क्षेत्र प्रमुख विकास सिन्हा द्वारा किया गया। शाखा का उद्घाटन करने के पश्चात उपस्थित ग्राहकों को संबोधित करते हुए क्षेत्र महाप्रबंधक चंद्रमोहन मिनोचा ने कहा कि देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है और ऐसी स्थिति में बैंकों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। वर्तमान समय में सरकार द्वारा कोविड महामारी के दौरान हुए नुकसान हेतु जो राहत पैकेज जारी किया गया है उसे पूरे मनोयोग से जनता तक पहुंचाने का कार्य बैंकों द्वारा किया जा रहा है और हम यह कार्य करते रहेंगे। इस कार्यक्रम में अंचलीय प्रमुख व क्षेत्रीय प्रमुख के साथ ही डीएवी कॉलेज के प्रबंधक अजीत कुमार सिंह, डीएवी कॉलेज वाराणसी के प्रधानाचार्य श्री दया शंकर मिश्र, दयालु गुरु, बैंक डीएवी कॉलेज शाखा प्रमुख श्री आनंद कुमार एवं बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से आए श्री आतुषेत पांडे, श्रीमती प्रतिभा पांडे, श्री संजय राय आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अमृतांशु वरिष्ठ प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किया। इस अवसर पर बैंक के एलडीएम मिथिलेश श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की डीएवी कॉलेज के परिसर में जो शाखा है उसके नवीनीकरण का उद्घाटन हुआ है। बहुत ही शुभ मुहूर्त पर ये उद्घाटन हुआ है और इस उद्घाटन में देखकर ये लगता है कि यूनियन बैंक के कस्टमर हमारे बैंक के साथ और जुड़ना चाहते हैं। इस परिसर के नवीनीकरण से यहाँ पर सभी डिजिटल सुविधाओं से कस्टमर्स को सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। खासकर यहाँ कॉलेज के जितने भी लेक्चरर, टीचर्स और स्टूडेंट हैं उनको किसी भी तरह की बैंकिंग सेवाएं या रिटेल लोन बहुत ही जल्द से जल्द कम समय में और अच्छे कम ब्याज दर पे उनको उपलब्ध कराए जाएंगे, या उनको कोई पर्सनल लोन की ज़रूरत है या हाउसिंग लोन की ज़रूरत है उसको जल्दी ही उनको ऋण दिया जाएगा। और साथ ही साथ हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे यू मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, इनकी सुविधाओं का मैं चाहता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और घर बैठे ही अपने बैंक के जो ट्रांजैक्शन हैं एनईएफटी, फंड ट्रांसफ़र ये कर पाएं। तो यही मेरी सभी ग्राहकों के अच्छे भविष्य की मैं कामना करता हूँ। बैंकों का जो अपना बैलेंस शीट है वो जितना ग्राहकों का जितना बिजनेस ठीक चलता रहेगा उसी के ऊपर बैंकों का बैलेंस शीट की हेल्थ डिटरमिन करती है। तो बिजनेस वाकई अभी इस महामारी से सफ़र हुआ है, लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन 3 जो खुलना शुरू हुआ है उसमें धीरे धीरे जैसे बिजनेसमैन का भी बिजनेस चलना शुरू होगा तो बैंकों की भी हालत में सुधार होगा।